घर अच्छी तरह बैग पैक करके जा ही नहीं सकते, घर जाया जाए ऐसे। हर्ष को और रचित को आना शाम में, तो मैं ठीक है तुम शाम में आते रहियो, मुझे भी घर जाके काम निपटाना, तो मैं निकल रहा सुबह सुबह। हेलो हेलो दोस्तों, मुजफ्फरनगर से पहला व्लॉग, क्राइम का शहर मुजफ्फरनगर। अब तो खैर नहीं रहा, अब तो वही है लक्ष्य भाई, मुजफ्फरनगर से परमानेंट चले जाए तो मुजफ्फरनगर भी क्राइम फ्री हो जाए पूरी तरह। बदमाशों का शहर, बदमाशों का क्षेत्र मुजफ्फरनगर। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, कितना टाइम हो गया ऐसे कहते थे कि अभी मैं हर्ष के घर जा रहा। बालियान भी आ गया सुबह सुबह, उसका फोन आया था कि मैं भी आ गया, और छोटे का भी बैंक बस होने वाला ख़त्म, तो वो भी वहीं मिलेगा अपने अड्डे पे। तो आज जो है, आज जो फुल मस्ती डे है, आज तो आज आग लगा देंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं ये सब गलियां देख रहा है, क्योंकि मैं पिछले जितने भी टाइम से घर आ रहा था, तो मैं अकेला आ रहा था, जब मैं अकेला आ रहा था तो बस मैं छोटे लक्ष्य रात में भी लग रहे थे गलत काम करने के लिए, रात में भी लग रहे थे हम, और बस थोड़ा बहुत रात में इधर उधर हाईवे की साइड घूमे, ठीक है। आज मैंने अपनी गाड़ी बाड़ दी मंडी में, नई मंडी, और नई मंडी ऐसा क्षेत्र है हमारे शहर का बस, उसमें गाड़ी जितनी जगह है, तो लोग मेरे से परेशान, मुझे गाली बकरे होंगे बहुत, भुंडी भुंडी बाल से भी सफेद होने लगे अब तो है, डांडे के लिए तो अभी से एक्साइटेड बैठा होगा नवरात्रों के लिए, तो नवरात्रों में क्या ड्यूटी करेगा, पास खरीदेगा पंडालों की। आते होंगे तुम पे तो पास, हम पे तो नहीं आते, खरीदने पड़ेंगे लगता है। क्या फायदा हो इतने दिन रहेगा, पास खरीदने पड़ रहे हैं, वहाँ तीस साल से रहते, उन्हें भी खरीदने पड़ रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का, हमारे यहाँ देख कैसे खिलवाऊंगा फ्री में। रिश्ते तो आ रहे होंगे गाँव में, चल भाई इसकी गाँव रिश्तेदारी में बात शादी वादी की, मेरे जानने में तो नहीं पता, इसे नहीं पता मुझे, लगे हाइप भी बना रहा अभी, हाइप ज्यादा बना रहा। वन सी आर वगैरह के तो आ रहे होंगे रिश्ते, मतलब क्या किस बजट के आ रहे। यू नहीं कह रहा कि लड़की सुंदर आ रही, बजट पे ही है फोकस, ये ज्यादा बढ़िया नौकरी वाले सोने लड़की लेते ही नहीं, ये लालच में पड़ जा, फिर जब होंगे काले पीले बच्चे, फिर उनके उनके उसमें दे, उनके ब्याह में देना पड़ेगा, अगर दूना दूना देगा नहीं टाड़े जहाँ पे। जैसी बहू लेगा ना, अगर दहेज के चक्कर में हल्की बहू लेगा, फिर बालक भी हल्के ही होंगे, तो डबल दहेज बांध लिए पहले ही। अभी एक 30,000 रुपए की गलत बुकिंग होगी, 40,000 की, वो कैंसिल करवाने लग रहे कुछ अमन गार्ड का, बुक माई ट्रिप कह रहा दो है MMT, किसे पता है इतना। मतलब ऐसा हुआ कि बस कैसा हुआ, सब कुछ ही ना बता, बहुत मिक्सअप है, गलती से बुकिंग हो गई, मतलब अभी भी हम कवर कर सके सके को, लेकिन इतने पैसे उड़ रहे हैं, 40,000 में 40,000 कवर हो रहे हैं। नहीं फिर उसका इलाज दूसरा है ना, जैसे अगर ये पकड़ लिया तो फिर तो एक ऐसे है, मजा आ जाएगा। अच्छा ये वो चल रही रिचुअल जाए यहाँ फ्लैट के, अब तक किसी को कुछ नहीं, फाइटर पड़े हैं सब अपने अपने दिमाग में। अच्छा कभी अपने दिमाग में हमारी बॉक्सिंग यूएफसी की एंट्री, दिमाग में चलते ही दो कदम घर के बाहर रखते ही, अरे नहीं है वो सड़क नहीं है, यही फ्लैग होगा तेरी कंट्री का, तो इतने कपड़े पहन के जाए, कपड़े निकालने में फाइट निकल जाए, पूरे तैयार हो गए कोट पैंट 3 पीस में। बैक ऑफ हो गए, टाइम पे आए बिल्कुल एग्जैक्ट, छोटे पतला हो गया, बीमार नहीं आ गया, इधर ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब जो भी मर्द का बच्चा नहीं है वो फ्रेम से बाहर निकल जाओ एक बार, मैं क्या करूं। दो प्लान बन रहे हैं अप्रैल के, एक तो आउट ऑफ इंडिया, एक त्रियुम ट्रैक, त्रियुम ट्रैक में तो ओनली मर्द अप्लाई करें जो हैवी टेस्टोस्टेरोन वाले, टट्टो की फोटो लगेगी पासपोर्ट साइज। मैं कुछ थोड़ा बीमार चल रहा, वो तो उसका तो पीछा मोटा हो रहा है, इस वजह से जाम लग जाए इसकी। अरे यार और एक है आउट ऑफ इंडिया जो तुझे कंट्री बताई दी थी सुबह, वहां तो नहीं है पता, पासपोर्ट कहां है, बस तो पासपोर्ट लेके दिल्ली मिलना, आउट ऑफ कंट्री का जो भी प्लान होगा ना, मुझे थोड़ा ज्यादा पहले बताइयो, बता दिया एक अप्रैल, द रीजन बीइंग दो, उसका लंबा प्रोसीजर है भाई, गवर्नमेंट से बहुत वो लेनी पड़ती है। अच्छा सीधा मोदी जी ले गए तो छुट्टी, नो बता रहा मोदी जी सही है, डायरेक्ट बात, और ऑर्डर निकलवाना पड़ा है पहले, ऑर्डर मैं क्या रहन दे बैठ, तो छोटे तू भी कर रहा नौकरी, ऑर्डर की बात करने तो नहीं करी आज तक, छुट्टी भी नहीं करी कभी, बड़ी दिल छुट्टी की दिक्कत नहीं है, पर कंट्री से बाहर जाने के लिए परमिशन। अच्छा कभी बड़ा ऑफिसर बाहर जा रहा है कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, सिक्योरिटी वगैरह में जी साथ
कौन टेक्नो बने रहेंगे, एक सैटेलाइट फोन डाल देंगे इसकी जेब में, रिजर्व आई की नाम में चेंज करा रहे थोड़े से, कुछ जेब में ले रहा है खाने का जेब मनी उसमें है पैंट, चलो कुछ खाने खान चल जाओ, आलू रोल है आओ कुछ सॉसेज आओ चलो। लड़के तो आज मल्टीपल हैं, चप्पल साली ओवर साइज है, क्या खाना छोटे रुक जा ब्राइटनेस उड़ा दो, मैं तो बीमार चल रहा अभी, पीछे बैठेंगे छोटे बीमारी के नाम पे दे दी भाई, चलो दे दी बेटे आज पहले आगे बैठ रहा हूँ नहीं तो मैं तो सारे लौंडे यहाँ पे गए, ये रोल कोल है एक मुजफ्फरनगर में, जहाँ ज्यादातर मैं छोटा लक्ष्य एग रोल खाने आए हैं, तीन एग रोल लग रहा है, पनीर रोल आ गया, पनीर पके पके थोड़ी चटनी है ये बाउल में, एक अरे कोल्ड ड्रिंक ले ता बगे चटनी, हां बगे कोल्ड ड्रिंक दो, हक्का किसके थे, हक्का बगे के, मैं किसका नूडल्स खाने लगे बेचारे, पनीर किसका था, पनीर मेरा, अच्छा थ्रीसम ग्रुप ईटिंग सेशन पता है खराब है कम से 20 दिन बाद, बाहर का नोएडा की फास्ट फूड से अच्छा है हमारे घर का, हमारे शहर का फास्ट फूड कुछ, हां मुझे लगे कि वहां से बेटर है थोड़ा, तो अच्छा यूज कर लें जो भी यूज करें, रोल खाने के बाद अब हाईवे पे चाय पीना है, या अपनी पावर दिखाऊंगा तुझे, हिल तो रही भाई गाड़ी, हिली होगी अभी थोड़ा दिक्कत फील हुई थी क्या, पावर आई थी एकदम, दादा ने सांस लेकर छोड़ दी होगी गाड़ी की तरफ, अच्छा आ गई बाहर जा के, हां बाहर ही गए थोड़ी हवा ले, चार बोली, पांच बोली होगी मतलब, चार बग्गे ने मना कर दिया, असली मर्द वही है नशा पत्ता कोई भी कर ले पर एंड में चाय पी ले, तो मैं एक दूसरी तरीके की चाय पिलाऊं, मैं चाय की सिप लूंगा फिर तुम्हारे मुंह में कुल्ला करूंगा चाय, सबसे सुकून भरा काम है जब भी ठल्ली हो एक दो घंटे को अपना गाड़ी धुलवाने आ जाओ और उसे धुलती हुई देखते रहो बस, और ये देख लो तुम एक आदमी गाड़ी धो रहा, दो लड़के उसे बैठे हुए देख रहे हैं बस गाड़ी धुलती हुई, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना है ट्रिप पे, और हमारी किस्मत इतनी ख़राब है जैसे ही गाड़ी धुलवानी खड़ी करी ना एकदम बारिश का मौसम हो गया, मुझे पता जैसे ही गाड़ी धो गए एकदम ड्राई क्लीन हो गए छोड़ेंगे एकदम इस पर बारिश बरसेगी तुरंत, मगा होगी क्या पैकिंग, एक बैग पैक करा, एक बैग में आ जाएगा तू, सुन ही नहीं रहा तू मैं क्या कह रहा, मैंने भी खुद गलत बोला, मुझे कहना था एक बैग में तेरी दो दिन की ट्रिप हो जाएगी का, आराम से मैंने कहा एक बैग में आ जाएगा, तू कह रहा हाँ समझ ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तो बिना बोले भी समझ जाएगा, तो अब तो बिना बोले समझ जाएगी मैं तुझे अब कोने में ले जाना चाह रहा, जो देख तू गुस्से कितने हैं, गुस्से के लिए कितने ले रहा, खाओ किराए पे, इन्हीं की जगह है, इन्हीं की जगह है, इन्हीं की है तो गुस्से भी यही इन्हीं के ही है, मैं कभी गुस्से सुखाने को किसी ने रेंट पे ले रखा हो पर इतने के तो गुस्से नहीं होंगे जितने का रेंट चला जाएगा यार, अब तक गाड़ी धुली धुलते ही आंधी चल पड़ी उतनी धूल और चढ़ गई इस पर, मैं क्यों ऐसा हो रहा जुक्कर मुझे घर से निकाल दिया, तो अभी ना जब हम गाड़ी धुलवाने लग रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे जो ड्राइवर डोर होता है उस पर एक हल्का सा निशान आया हुआ, तो मैं निशान देखने गया तो मैंने देखा कि वो स्टोन चिपिंग हो जाए ना सड़क पर जब पत्थर लगे टायर के नीचे आ गए, तो कोई पत्थर लगा हुआ लेमिनेशन फटी हुई हल्की सी, बाकी अंदर पेंट पे तो कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने वापस विकास भाई से पूछा, उन्होंने शायद अभी बताएंगे इसका कोई तरीका है कुछ या पूरे डोर पैनल की बदल जाएगी दोबारा, तो मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि स्टोन चिपिंग तो जिस गाड़ी के ऊपर पीपीएफ हो रखी है उस पर भी होगी और जिस पर नहीं हुई होती उस पर भी होती है स्टोन, मतलब जब गहरा स्टोन लगेगा आगे तो पीपीएफ को भी फाड़ देगा वो, बट मजे की बात ये है कि दोनों चीज़ों में इक्वल खर्चा, आपकी गाड़ी पर खाली पेंट है पीपीएफ नहीं है उस पर ऐसे निशान आ रहे कुछ आ रहे, तो आप वेट करो जब तक कि पूरे एक डोर पर बढ़िया तरीके से ना आ जा और आप वापस रीपेंट करा लो, और पीपीएफ पे है कि आप उठा के पीपीएफ चेंज करा लो बस, रीपेंट में गाड़ी कई बार आदमी सोच लगा कि रीपेंट हो रखी एक्सीडेंटल है, पीपीएफ पे वो एक्सीडेंटल नहीं होते, आपका पेंट हमेशा बचा रहे असली चमक बची रहे पेंट की बस ये है, तो मैंने देखा वहां से पीपीएफ फट रही बिल्कुल अंदर से एकदम ओके है, तो मैं जाके जब भी गुड़गांव या तो मैं थोड़ा वेट करूंगा दो चार बार और हो जाएगा इस वाले डोर पे तब चेंज करा लूंगा, नहीं तो ज्यादा फटेगा तो अभी चेंज करा लूंगा, निकले ही है भाई नैनीताल के लिए और अपने शहर में ही जाम में फंस गए, मुझे बंद करनी पड़ेगी मुजफ्फरनगर की तारीफ करना, तो मुझे सच में लगा था मुजफ्फरनगर में इतना जाम लगे, बहुत अच्छी शुरुआत हुई नहीं आज यार, फैमिली ट्रिप है बहुत बड़ी, तो हमने क्या करा फैमिली के सात मेंबर को तो भर दिया दूसरी गाड़ी में और चार लड़के फैमिली भी समझ गई चार अपनी प्राइवेसी चाह रहे, चल अब निकाल लो हां, मुझे लगे दो चार सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी मुझे, आज लोग बाहर निकलना पड़ा है मुझे असली होली,
तुम्हारी तरह नहीं होगा ऐसा रंग लगा दिया यार शुरू में ही तेल लगा के चल दिए या सिर्फ भाई गुलाल ही लगाना और कुछ मत लगाना कल सुबह तो नहीं कल सुबह तो अंधी कटेगी रंग तो लगवाना पड़ेगा ऐसा नहीं चला होली एक साल में तो आ रहा है बड़े भाई की रील नहीं देखी क्या तुमने वो है इसलिए रियल होली तो छोटा कहाँ गया छोटा उधर खड़ा अंकल के साथ भाई किसी का पेटीएम का फास्ट टैग हो तो बंद कर लेना हम अभी डबल 230 रुपए दिए हमने जहाँ पे डबल देके निकल रहे अभी हम पेटीएम का क्योंकि सब वॉलेट बंद हो गया और बारकोड भी चल रहा अब इससे पूछोगे कोई बैठा गया तो नहीं कोई अब तो कोई नहीं है मुझे लग रहा है यार लुटते ही जाना पड़ेगा 2-4 लाख में तो पहुंचेंगे ना ना ये कहाँ फास्ट टैग बना देंगे वो तो स्टॉल सा लगा सुबह मिलेगा अब तो कोई अब क्या याद करिए इस बार टोल से पहले रोक के देख लेंगे इस ट्रिप पे बिना मतलब के पैसे बहुत लग रहे हैं ये देखो बग्गा पकड़ा गया बिना प्लास्टर के अब लगा डाली बग्गे बस सिंपैथी ऑन दे दो भाई थोड़ी थोड़ी सिंपैथी दे दो बहुत तेज आदमी पिछले 3 महीने से वैसे भी जाता तू अगर वो सफेद वाला भी लगा देता ना पुट्टी वाला भी प्लास्टर खुद को हील कर ले इतने में तो उंगली ना वैसे ही कर ले खुद को हील अगर काट भी देता तो डेडपूल की तरह नहीं भी देता परसों आया इसमें ये सोच रहा है इसमें बहुत सेक्सी लग रहा ऐसा तगड़ा लगे तो अभी 11 बजे हैं 11:20 और हम भीमताल पहुंच चुके काफी बढ़िया मौसम काफी अच्छा हो गया ना यार जरा सा खोल लो हमने होटल पे फोन करके बोल दिया था कि हम 11 बजे पहुंचेंगे किचन 9 बजे बंद हो जाएगी क्योंकि उनकी और हमारा खाना तैयार रखना तो खाना गर्म हो रहा है कहाँ पर जाके खाना यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है जबरदस्त यही ड्रोन गिरा था वो यही गिरा था यही पीछे इधर अच्छा पिछली बार अभी हम लोगों ने होटल में चेक इन तो कर लिया बट अभी हमें एक और एक्स्ट्रा रूम लेना तो मैं उसकी बात कर लूँ जरा ये हमारी वेलकम ड्रिंक दिखे हाँ ले लें यार भूख लग रही बहुत तगड़ी बस किसी भी मिनट डिनर सर होने वाला ये मेरी चेयर और वो वालियान की उधर साइकिल भी दे रखी है अगर रिजॉर्ट एक्सप्लोर करना हो तो कल सुबह निकल रहा है लड़का 6 बजे टीटी टेबल भी दे रखी है प्रातः 6 बजे आओ एक एक टीटी हो जाए तुम मैंने सुना तुम तो बड़े चैंपियन रहे टीटी के वडोदरा में बोल तो मेरे पास है दो बट क्लैपर्स इनमें चेक इन हो गया और ये देखो छोटे का हट हो इधर छोटा सा स्ले कर रहा छोटा गेम में अब कुछ तो कुछ मुझे लगा तू बड़ा प्लेयर रहा था नहीं ये तो वैसे ही था फाउल ठीक है मैं बड़ा प्लेयर हूं इंडिया की तरफ से लोग सर्विस मिल रही है मेरी अरे भाई तो गेम बढ़िया लग रहा है इंटरेस्ट आ रहा है बढ़ते हुए